रामपुर के अंदर लंबे समय से जो है तहसीलदार का पद खाली है। अभी पिछले दिनों इन्होंने जो है कई जो है सेटलमेंट जो ऑफिसर है तहसीलदार को कई ब्लॉक के अंदर जो है तैनाती दी है। उल्टा ननकरी से जो है जो तहसीलदार थे ननकरी ब्लॉक में उनको ट्रांसफ़र किया गया। एक तो रामपुर में लंबे समय से तहसीलदार नहीं है, आप तहसीलदार का पद नहीं भर रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, तकलेज के अंदर जब सब तहसील है वहाँ नायब तहसीलदार बैठता है, जितने भी लोग हैं तकलेज के अंदर वार्ड नंबर 3 के मैक्सिमम पंचायत तकलेज के अंदर उप तहसील तकलेज के अंतर्गत आती है। आपको रजिस्ट्री करने रामपुर आना पड़ता है तो वो जो नायब तहसीलदार है वो वहाँ बैठते हैं, तो वो जो है किस लिए बैठे? हमारी ये डिमांड है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर जो भी रजिस्ट्री होती है वो तकलेज में करवाई जाए, और जो स्टाफ पद खाली है शिक्षा के क्षेत्र में चाहे हेल्थ के क्षेत्र में उनको तुरंत भरा जाए। बाली के अंदर जो है 7 बेड का हॉस्पिटल है, एक्सरे मशीन है, एक्सरे को ऑपरेट करने वाला नहीं है, और वहाँ पर जो है जो चतुर्था कर्मचारी श्रेणी जो कर्मचारी है वो दवाइयाँ दे रहा है, वहाँ पर डॉक्टर की तैनाती की जाए।